हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। बड़ी खबर इस वक्त की, हरियाणा रोडवेज की बस में आग लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं पानीपत से। बस में अज्ञात कारणों के चलते आग लगी, यानी कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। आलम यह है कि बस स्टैंड पर फायर सेफ्टी सिलेंडर ही नहीं मिले। हालांकि राहत की बात यह रही कि आग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। बस स्टैंड पर बहुत सी खाली बसें खड़ी हुई थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहां पर आग से बचाव के लिए कोई यंत्र नहीं है। हरियाणा रोडवेज की बस में आग लगी, इस आग के कारण का पता नहीं चल पाया। तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। देखिए किस तरीके से लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई। गनीमत यह थी कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अगर उसमें यात्री रहते और फायर सेफ्टी सिलेंडर नहीं मिलता, या यूं कहें कि नहीं मिला, तो क्या आलम होता, क्या दृश्य होता, आप उसका आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, खाली बस है, इसमें आग लगी हुई है, क्या आग लगने के कारणों का पता चल पाया और किस हद तक नुकसान हुआ? और जो सबसे अहम बात यह है कि फायर सेफ्टी सिलेंडर तक यहाँ पर मौजूद नहीं था। गनीमत यह रही कि कोई यात्री इसमें नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखिए जिस तरीके से ये लापरवाही कही जाएगी कि कोई भी बस देख लीजिए आप, उसके अंदर सेफ्टी का नहीं है ना, फायर ब्रिगेड की बात करूं तो मैं, कोई गाड़ी वगैरह नहीं है। जिस तरीके का बस स्टैंड है, तो ये तो गनीमत ये है कि जितनी वो बस थी बिल्कुल खाली थी और उसमें शॉर्ट सर्किट से जैसे ही उसमें धुआं लगना शुरू हुआ तो उसको चारों तरफ से लोग बागों ने पानी से बुझा दिया। लेकिन अगर ये वारदात, अगर इसमें बस में जैसे और भी बसें रहती हैं तो उसको लेकर काफी बड़ी वारदात हो सकती थी। लेकिन फिलहाल जो है मामले को फायर ब्रिगेड भी पहुंच गई है और प्रबंध के साथ काफी जो है मैनेजर वगैरह वो देख रहे हैं, लेकिन इसमें किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। चलिए जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।